नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने आज हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल्स प्रसंघ द्वारा तैयार की गई रिफाइंड शुगर ब्रांड नामक इस शुगर की छोटी पैकिंग्स को लॉन्च किया। इस रिफाइंड शुगर की छोटी पैकिंग्स रेशे से 1 किलोग्राम व 5 किलोग्राम में बाजार में उपलब्ध होगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल यह रिफाइंड शुगर रोहतक की सहकारी चीनी मिल में तैयार की जा रही है और इसकी सफलता के उपरांत रिफाइंड शुगर का उत्पादन गोहाना की सहकारी चीनी मिल में भी तैयार किया जाएगा। इसका दाम लगभग 38 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। उन्होंने कहा कि पलवल, कैथल और महम की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन आने वाले सीजन में किया जाएगा और गुड़ व शक्कर के उत्पादन की सफलता के पश्चात अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर का उत्पादन होगा। इसके अलावा शाहबाद के सहकारी चीनी मिल प्लांट में जल्द ही एथेनॉल तथा अन्य उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के दाम अधिक हैं और इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर के बेचा जा सकता है। इससे भी शुगर मिलों को काफ़ी लाभ होगा। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। रोहतक शुगर मिल द्वारा जो हमारी रिफाइंड शुगर के लिए 1 किलो के, 5 किलो के और सैसे हमने बनाए हैं और उसी की लॉन्चिंग आज हमने की है। तो जो जिस तरह से शुगर मिल्स घाटे में चली हुई हैं तो इस घाटे को मतलब कैसे उभारा जाए, इन शुगर मिल्स को घाटे से कैसा उभारा जाए, तो उसी दिशा में हमने ये जो सैसे और रिफाइंड शुगर का 1 किलो का और ये जो 5 किलो के पैक बनाए हैं, इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल शुगर है उससे जो रिफाइंड शुगर है वो महंगी बिकती है। और दूसरा क्या है कि जो दूसरी जितनी भी बढ़िया कंपनी हैं उन कंपनियों के बराबर की क्वालिटी की हमारी ये शुगर है। और जो हमारे सैसे वगैरह हैं इनको अगर हम कहीं आपके रेस्टोरेंट है या आपके बड़े बड़े होटल हैं या हमारे जैसे हॉस्पिटलिटीज़ हैं इनमें इनको हम अवेलेबल करवाएंगे और हमारा जो विट्टा का बूथ है उन पर भी अवेलेबल कराएंगे और एफेड के बूथ पे भी करवाएंगे। बाकी मार्केट में भी इसको अवेलेबल होगा ये और हमारे जो शुगर मिल का आउटलेट है उन पे भी अवेलेबल होगा और दूसरी शुगर मिल है उन पे भी अवेलेबल होगा। तो लोगों को एक अवेलेबिलिटी होगी तो इसका हमारा जो सेल है वो भी अच्छा बढ़ेगा। पहले क्या था कि ये 50 किलो का एक कट्टा बनाते थे तो उसको कोई ले कर नहीं जा सकता, कैरी नहीं करके जा सकता। तो अब मॉल के अंदर या बड़े आपको दुकानों के अंदर अगर ये 1-1 किलो की पैकिंग मिलेगी या सैसे मिलेंगे या 5 किलो के पैकेट मिलेंगे तो इजीली कैरी कर सकता आदमी। तो इससे हमारा ये सेल भी बढ़ेगा और हमारी जो शुगर मिल्स का जो घाटा है उसकी तरफ हम पूरा करने में बढ़ेगा।